वंदे भारत एक्सप्रेस की खास बात क्या है, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, शुगर स्पाइस नाइस हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है श्वेता और आज मैं मैसूर से बैंगलोर जा रही हूँ और ये सफर हम करेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस में। फिलहाल ये है मैसूरू रेलवे स्टेशन। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की अब तक की सबसे तेज ट्रेन मानी जाती है। दिल्ली से वाराणसी, मुंबई से गांधीनगर, भोपाल से दिल्ली और मैसूरु से बेंगलुरु और कई सारे रूट्स पर ये गाड़ी दौड़ती है और इसकी तेजी की वजह से ये 500 साढ़े 500 किलोमीटर की दूरी को 6-7 घंटों में ही पार कर देती है। जिस ट्रेन में मैं सफर कर रही हूँ वो है मैसूरु से चेन्नई जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसका नंबर है 20608 और यहाँ से ये 1:05 पर दोपहर में निकलती है। वैसे तो ये 12 बजे ही स्टेशन पर आ जाती है और इसकी साफ सफाई शुरू हो जाती है। करीब 12:30 बजे के बाद आप अंदर जाकर अपनी सीट पर बैठ सकते हैं। अंदर आते ही ये ऑटोमेटिक दरवाजा खुल जाता है और हम हमारी कोच में पहुंचते हैं। ये है ईसी चेयर कोच। कंपार्टमेंट काफी बड़ा है और सीट्स में भी बहुत दूरी है, ज्यादा चिपके हुए होने की फीलिंग बिल्कुल नहीं आती। ऊपर लगेज के लिए जगह है और ये रही मेरी सीट। सीट्स के बगल में ये बॉटल होल्डर है और दोनों सीट के बीच में ये चार्जिंग पॉइंट्स भी है। इसके हैंडरेस्ट में एक्चुअली हमारा स्नैक टेबल भी है और इसे ऐसे खोलते हैं। सीट के सामने सामान रखने के लिए पॉकेट भी है, ये हुक जैसी चीज भी है, यहाँ पर आप अपने बैग्स या दूसरा सामान लटका सकते हैं। और नीचे है ये फुटरेस्ट, इस लीवर को दबाकर ये इतनी आसानी से बंद हो जाता है। मेरी सीट के ऊपर ये कुशन भी है, इन्हें हम अपने हिसाब से ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर सकते हैं और अपनी सीट को हम ऐसे पीछे भी ले सकते हैं, बिल्कुल रिक्लाइनर वाली फीलिंग। इस सीट की सबसे खास बात आपके साथ शेयर करना अभी बाकी है दोस्तों, ये नीचे वाला लीवर दबाकर आप इन सीट्स को ऐसे घुमा भी सकते हैं, बिल्कुल विस्टाडोम कोच के जैसे। मैंने कुछ महीनों पहले मुंबई से लोनावला विस्टाडोम में सफर किया था और अगर आपको विस्टाडोम के बारे में जानकारी चाहिए तो वो वीडियो जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ के वॉशरूम्स। ये वाला है इंडियन स्टाइल और दूसरा वाला है वेस्टर्न। आप अपनी सीट से ही जान सकते हैं कि ये खुला है या इंगेज्ड है इस लाइट को देखकर। जब ये इंगेज होता है तो ये बत्ती लाल हो जाती है। और ये रहा ट्रेन का दरवाजा, ये भी ऑटोमेटिक है और बंद होते वक्त ये लाइट चलती है और एक आवाज सी आती है। अब मैं मेरी सीट पर लौट चुकी हूँ। मेरी खिड़की से बाहर ये सुंदर नजारा दिख रहा है। मैसूरु से बेंगलुरु के बीच आपको बहुत सी हरियाली, बड़े बड़े खेत, तालाब और नारियल के पेड़ दिखेंगे, तो अगर आपको उसका मजा लेते हुए सफर करना पसंद है तो विंडो सीट डेफिनेटली बुक करें। ये खिड़कियां भी काफी बड़ी है, विस्टाडोम जैसी नहीं बट फिर भी बड़ी है, तो ये इस नज़ारे को और भी सुंदर तरीके से एंजॉय कराती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये ट्रेन चेन्नई तक जाती है। मैसूर और चेन्नई के बीच दूरी है 500 किलोमीटर। किसी भी और ट्रेन से आपको 10 घंटे करीब लग सकते हैं और रोड से भी 9-10 घंटे लग ही जाते हैं, लेकिन वंदे भारत आपको 6.5 घंटों में वहां पहुंचा देती है। मैसूर और चेन्नई के बीच ये सिर्फ 2 स्टेशन पर रुकती है, एक है बैंगलोर और दूसरी है कटपड़ी जंक्शन। मैं आज सिर्फ बैंगलोर तक जा रही हूं और वहां पहुंचने के लिए लगते हैं सिर्फ 2 घंटे। ये बुकिंग मैंने IRCTC की वेबसाइट से करी और उसकी लिंक और ट्रेन के फेयर की जानकारी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब ट्रेन का खाना मेरे लिए तो काफी स्पेशल है, अगर आपको भी ट्रेन के कटलेट्स वगैरह पसंद है तो नीचे कमेंट्स में हाई फाइव जरूर दे। वंदे भारत में भी आप खाना अपनी टिकट बुक करते वक्त ले सकते हैं। सबसे पहले तो ये पानी की बॉटल मिलती है जिसकी कीमत टिकट में ही शामिल है। खाने की शुरुआत होती है सूप से, ये पैकेट वाला सूप है, पाउडर वाला, और इन्होंने ये कांच के बोल्स और चम्मच भी दिए हैं, तो ट्रेन में बैठकर इसमें से सूप पीने का मजा ही कुछ और है, खासकर की बाहर के नजारों के साथ। ये रहा हमारा खाना, इसमें है जीरा राइस, दाल, पनीर की सब्जी, आलू की सब्जी और मीठे में है गुलाब जामुन, और ये रहे पराठे। इसके साथ ये दही का पैक भी मिलता है और कुछ अचार भी। खाने में अगर आप नॉनवेज ऑप्शन ले रहे हैं तो पनीर की सब्जी की जगह उसमें आपको मिलेगी चिकन की ग्रेवी। सबसे पहले ट्राई करते हैं पनीर पराठों के साथ। पनीर तो ठीक ठाक है, इनकी ग्रेवी अच्छी है, लेकिन पनीर के जो टुकड़े है ना वो थोड़े से कड़क आए,
और पराठा बहुत मोटा है, अंदर से ज्यादा अच्छे से पका हुआ भी नहीं लग रहा। दूसरी सब्जी है आलू की। एक्चुअली इसमें और भी सब्जियां हैं, सिर्फ आलू नहीं है, गाजर, मटर, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ी सी फंसी। एक्चुअली ये काफी टेस्टी है। दाल और चावल भी अच्छे हैं, दाल गाढ़ी है पर मुझे ये बहुत पसंद आई। और गुलाब जामुन भी बेहतरीन है। इसके अंदर शायद कुछ थोड़ी सी स्टफिंग भी है ड्राई फ्रूट वाली, लेकिन सिर्फ ये एक स्वीट डिश नहीं है, आइसक्रीम भी है। ये हैवमोर की आइसक्रीम है और इसके पहले हमने जो सूप पिया वो नोर का था। ये बात मुझे अच्छी लगी कि इन्होंने जाने माने ब्रांड्स की चीजें रखी है। खाना खाते वक्त एक ही दिक्कत है, खाने की ट्रे इस टेबल से ऐसे फिसल सकती है, तो इसे ऐसे पकड़ के ही खाना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरा खाना फैल जाएगा। इस चीज के अलावा बाकी सब अच्छा है। इस ट्रेन में सफर करना अपने आप में एक अनुभव है। इसकी सबसे बढ़िया बात है समय की बचत। इस ट्रेन से बहुत ही कम टाइम में कितनी ज्यादा दूरी पार कर सकते हैं। वैसे तो ये 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है, लेकिन इस रूट पे ये अभी उतनी तेज नहीं दौड़ रही है, शायद सिर्फ 110 की तेजी है। ये ट्रेन भारत में बनी है और हम भारतीय लोगों के लिए ये बहुत ही खास और गर्व महसूस होने वाली बात है। अगर कभी मौका मिले तो इसमें एक बार तो जरूर सफर करें। तो ये था वंदे भारत का सफर। अगर आप ऐसे और रेल की यात्राएं देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं वो भी बताएं, और इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें। और ट्रैवल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। बाय।